एक बार फिर से तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत होने से इलाके में कोहराम मच गया और शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल जाप्तागंज के रहने वाले अकरम का 13 साल का बेटा रिहान और इकरामू का 12 साल का बेटा जीशान अपने तीन दोस्तों के साथ कल दोपहर घिसटपुरी इलाके में मौजूद तालाब में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि नहाते वक्त तालाब की चिकनी मिट्टी में रिहान और जीशान के पैर धंस गए, जिससे दोनों तालाब में डूबने लगे। उनके साथ नहा रहे अन्य बच्चों ने इसकी जानकारी उनके परिवारों को दी। आनन फानन में परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को तालाब से निकालकर डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी परिवार के लोग उन्हें लेकर बिजनौर पहुंचे, लेकिन यहां के डॉक्टरों का भी वही जवाब था। दो बच्चों की मौत से इलाके में शोक की लहर पसर गई। बताया जा रहा है कि जीशान घर का इकलौता चिराग था। दूसरी ओर अकरम के भी सिर्फ दो ही बेटे थे, जिनमें से रेहान की मौत से परिवार को भारी सदमा पहुंचा है। लेकिन बार बार समझाए जाने के बावजूद परिवार अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चों को ऐसी जगहों पर नहाने के लिए भेज दिया जाता है जहां उनको अपनी जिंदगी तक से हाथ धोना पड़ जाता है। जी, मेरा नाम सुनिए। आज जो आवास विकास में जो दो बच्चे डूबने की जो मामला आया, क्या मामला है बताइए पूरा। जी, दो बच्चे बारिश के पानी में बारिश पड़ रही थी, नहाने आए थे। कहाँ के थे बच्चे? यहीं के थे, मोहल्ले जा। क्या नाम था इनका? इनका एक का नाम ध्यान था, एक का मुझे जीशान नाम था। एक का कितनी उम्र होगी लगभग बच्चों? इनकी ऐसी है 8-9 साल। समय करीब? समय ऐसी हो रहा था 4-5 बजे। फिर क्या हुआ जब बच्चे डूब गए थे? फिर क्या हुआ? फिर उसे हमने निकाला है बच्चे को उसमें पानी में बढ़ के। फिर उसे एक लड़के को पहले निकाला, फिर दूसरे लड़के को 2-3 मिनट बाद में निकाला, वो ढूंढ मिला हमें जब उसे निकाला हमने। फिर कहाँ ले गए बच्चे को? उन्हें उनके जो उनके पिता वेता थे भाई, परिवार में परिवार वाले, वो अपने हॉस्पिटल में लेके गए थे पूजा में। अच्छा, फिर पूजा से लाए घर पे वे। घर से एक लड़के को बिजनौर लेके गए, उससे थोड़ी देर के बाद में दूसरे को भी बिजनौर लेके। तो कोई बचा है या दोनों की एक्सपायर हो गई? अभी पता नहीं, वे कंफर्म नहीं है, मैं डॉक्टर साहब बताएंगे।